अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमक्वेस्ट। इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मतलब कुछ इम्पोर्टेंट पहले फैक्ट्स स्टडी करेंगे और फिर हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। सो सम फैक्ट्स अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसमें जो सबसे पहली बात है वो ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो है उसको असेंशियल एलिमेंट के तौर पर लिया जाता है। कार्बन इज़ कंसिडर्ड एज असेंशियल एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी नॉर्मली प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ड्रिफ्टिव के मतलब स्टडी किया था, तो अगर हम हाइड्रोजन को हटा के अगर उसकी जगह हम ऑक्सीजन लगा सकते हैं, नाइट्रोजन लगा सकते हैं या फिर सल्फर लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये दूसरे एलिमेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट हो सकते हैं ड्रिफ्टिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, असेंशियल एलिमेंट विच इज़ कार्बन उसके अलावा और हाइड्रोजन के अलावा। ये दूसरे एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, और इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी हैं, वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं और वो हम हाइड्रोजन की जगह लगाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं विच कॉन्टेन कार्बन, जिनके अंदर कार्बन तो होता है बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर शामिल नहीं होते। तो आपको इन कंपाउंड्स को याद रखने की ज़रूरत है, जैसा कि हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाइकार्बोनेट आयन एंड कार्बोनेट आयन फॉर एग्जांपल। तो अगरचे आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी, लेकिन इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर स्टडी किया जाता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये जो कार्बोनेट आयन है इसको भी हम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंदर स्टडी करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास अगला टॉपिक है जो हम स्टडी करेंगे, सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जिस तरह के मैंने पहली वीडियो में कहा था, हम इस तरह से स्टडी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन इस तरह से होगी कि वो इस टॉपिक को फुली कवर कर लेगा। तो इस सिलसिले में जो फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन क्या चीज़ है? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। एग्जांपल के साथ आपने इसको बताना है। तो अब इसमें कैटिनेशन क्या है? द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो कार्बन की जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है उसको हम कैटिनेशन कहते हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक अहम क्वेश्चन है। तो अब सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी कार्बन क्यों है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की ये खास फितरत है कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके चेन्स बना सकता है या फिर रिंग्स जो है ये वो भी बना सकता है। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन एट प्रेजेंट, यानी कार्बन की इस प्रॉपर्टी की वजह से, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यू कैन फाउंड इन नेचर, नेचुरली एज वेल एज सिंथेटिकली। अब इसकी रीज़न क्या है? ठीक है, रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू लिंक विद अदर कार्बन्स इन द फॉर्म ऑफ चेन्स और रिंग्स। तो कार्बन अपनी इस कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से ना सिर्फ ये के चेन्स बनाता है बल्कि ये रिंग्स भी बना सकता है। ठीक है, तो इसमें चेन्स की फॉर्म में अगर देखें, ये आपको नॉर्मल चेन नज़र आ रही है और इसको नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं क्योंकि इसमें चार कार्बन, यू कैन सी 1, 2, 3, 4। अगले क्वेश्चन में हम नॉमनक्लेचर भी स्टडी करेंगे तो उससे ये आपको वाजे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये एक दूसरा है और इसको ब्रांच्ड चेन भी बोलते हैं या फिर इसका जो कॉमन नेम है इस कंपाउंड का आइसोपेंटेन है। आइसोपेंटेन इसे इसलिए बोलते हैं कि इसमें ये वाला एक कार्बन जो है वो ब्रांच्ड फॉर्म में है, यानी पेंटेन का मतलब पांच होता है, पांच कार्बन वाला, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन आइसो हम इसे इसलिए बोलेंगे कि ये एक कार्बन जो है वो अलहदा उसकी ब्रांचिंग है। इसके बाद हमारे पास ये वाला कंपाउंड है और ये मैंने स्पेसिफिकली ड्रॉ किया है ताकि आपको ये बात भी समझ आए कि कार्बन की जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो सिर्फ स्ट्रेट चेन में ही नहीं बल्कि ब्रांच्ड चेन
चेन के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये दो बेंजीन रिंग्स हैं जो आपस में फ्यूज्ड हुई हुई हैं, और इस मॉलिक्यूल का नाम है नेफ्थलीन। ठीक है, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। वी विल मीट विद अनदर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।